जो क्लासिफिकेशन है दो तरीके से मैंने निकाली है, रिबा अल फदल और रिबा अल जहिलिया। क्या डिफरेंस है इसमें? जहिलिया तो मेरे ख्याल से आपने बता दिया था कि क्या रिबल होता है। जाहिलिया वही है जो मैंने बताया कि लोन की ट्रांजेक्शन बिल्कुल होती है, कि सही। लोन अगर आपने किसी को दिया तो आप लोन के प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा जो होता है वो रिबा होता है, इसको रिबल जाहिलिया भी कहते हैं और इसको रिबल नसीहा भी कहते हैं, रिबल कर्ज भी कहते हैं, रिबल कुरान भी कहते हैं। अच्छा, मैंने जो इसकी एक डेफिनेशन निकाली थी उसमें ये है कि काइंड ऑफ अ लोन वे स्पेसिफाइड रीपेमेंट टाइम पीरियड एंड अमाउंट इन एक्सेस ऑफ कैपिटल इज प्री डिटरमिंड। तो एक सवाल जो हम आगे भी हमेशा करते रहेंगे आपसे वो ये है कि हमारे अभी इस्लामिक बैंकिंग में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं और प्री डिटरमिंड रेट भी डिसाइड करते हैं, तो वो क्या रिबा जहलिया के अंदर आते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत से लोग ये सवाल समझते हैं, ये समझते हैं कि जहां पर भी आपने कोई प्री डिटरमिंड प्राइस तय कर ली तो वो नाजायज हो जाती है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। सिर्फ लोन की ट्रांजेक्शन ऐसी ट्रांजेक्शन है कि लोन के अंदर आप ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट, ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट, या कह लीजिए असल सरमाए से ज्यादा जो भी आप तलब करते हैं, चाहे वो प्री डिटरमिंड हो या नॉन प्री डिटरमिंड हो, दोनों सूरतों में नाजायज होता है। अच्छा, और लेकिन बात दूसरी जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर कंसिडरेशन को प्री डिटरमिन होना लाजमी है, जैसे कार फाइनेंसिंग, कार फाइनेंसिंग में, इजारा में, या मुराबहा के अंदर, कि अगर आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं अगर आपकी कंसिडरेशन प्री डिटरमिन नहीं होगी तो ट्रांजेक्शन नाजायज हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें प्री डिटरमिन होना उसकी सेहत के लिए, उसकी जवाब के लिए जरूरी है। ठीक है, और बात उसके अलावा बात ट्रांजेक्शन ऐसी है कि जिसके प्री डिटरमिन नहीं हो सकती, हो नहीं रही। मिसाल के तौर पर शिरकत है, आप किसी पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ये प्री डिटरमिन कर सकता है कि मैं तुम्हें इतना। ठीक है, बट इन द केस ऑफ लोन जो है वो प्री डिटरमिन होना गलत है। लोन के केस में एनी अमाउंट ओवर एंड अबव द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट अलाउड, वेदर इट इज प्री डिटरमिन और नॉट। रिबल फजल की तरफ आ जाते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? रिबल फजल का कॉन्सेप्ट यह है कि बुनियादी तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें हुजूर ने फरमाया कि छह चीजें ऐसी हैं कि जिनका अगर तुम तबादला करो तो उनका तबादला अगर बाहमी होमोजीनियसली कर रहे हो, यानी हमजिंस कर रहे हो, मतलब सोना सोने के साथ, चांदी चांदी के साथ, गंदम गंदम के साथ, जौ जौ के साथ, और नमक नमक के साथ, और सोना चांदी गंदम खजूर, छठी चीज खजूर। अच्छा, तो इस तरह छह चीजें, जब ये छह चीजों के साथ जो तबादला करो तो अगर इनका तबादला होमोजीनियसली हो रहा हो, यानी हमजिंस तबादला हो रहा हो, तो फरमाया कि इसमें जो इजाफा होगा तो वो इजाफा नाजायज है। मिसाल के तौर पर एक किलोग्राम ऑफ वीट या गंदम, 1.5 किलोग्राम ऑफ वीट या 2.5 किलोग्राम गंदम के साथ तबादले में जो आधा किलोग्राम ऑफ एक्सेस ले रहे हैं तो वो नाजायज हो जाएगा। अच्छा, और वही वजह की जो मैंने आपको बताई थी कि क्योंकि रिबा कहते हैं विदाउट कंसिडरेशन, क्योंकि आप एक किलो तो एक किलो के बदले हो गया, जो जो आधा किलो हुआ वो एक्सेस हुआ, विदाउट कंसिडरेशन हुआ। लेकिन सवाल ये पता होता है कि कहते हैं कि लॉजिक क्या है, कौन आदमी अकल में ऐसा करेगा कि 1 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम वीट के बदले बेचेगा? सही है ना, तो इसकी लॉजिक क्या है? तो इसकी लॉजिक यही है कि आमतौर पर ये उस वक्त होगा जब एक तरफ जो 1 किलोग्राम होगा वो क्वालिटी का फर्क होगा, कि जो 2.5 किलोग्राम या 2 किलोग्राम होगा वो ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी का होगा और एक कम वाला जो है वो ज्यादा अलग क्वालिटी का होगा। तो इसके बारे में हदीस में फरमाया कि जयी दुहा व रदी दुहा सवा, कि ये जो छह चीजें हैं इनके अंदर क्वालिटी का दबाव है, इसका अच्छा और बुरा होना बराबर है। अच्छा, चाहे चाहे हम गोल्ड में डिफरेंट क्वालिटीज आती है, चाहे उनकी क्वालिटी सुपीरियर हो इंफीरियर हो, इंफीरियर हो या गंदम एक तरफ आला क्वालिटी का हो एक तरफ हल्का क्वालिटी का हो, उसमें आप क्वालिटी को कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, तो देयर क्वालिटी वुड बी इक्वल ऑलवेज। ठीक, तो उसके अंदर जब आप उनका तबादला करेंगे तो फिर आप उसके अंदर इजाफा नहीं ले सकते। ठीक है, और इसमें भी टाइम का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 किलो वीट अभी किसी को दे रहा हूँ तो ये नहीं कह सकता कि मैं 6 महीने बाद आपसे 2 किलो वापस दूंगा। इसमें ये मैं जिक्र कर रहा था, तो हुजूर ने फरमाया कि जो 6 चीजें हैं इन 6 चीजों का तबादला जब बाहम एक दूसरे के साथ करेंगे, बाहम एक दूसरे के साथ इस तरह होमोजीनियसली यानी इस तरह करेंगे बाहम एक ही जिंस का हो, तो उस सूरत में ये इजाफा भी नाजायज है और उधार भी नाजायज है। अच्छा, सही है, ये उधार की ट्रांजेक्शन बीच में नाजायज है। ठीक है, और अगर इनकी जिनसे चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पर एक तरफ गंदम है एक तरफ नमक है, वो भी नहीं हो सकता, तो उस सूरत में इजाफा जायज है लेकिन उधार नाजायज है। अच्छा, हाँ ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर कि अगर आप ये कहते हैं कि मैंने 1 किलोग्राम वीट, ठीक है, और 1.5 किलोग्राम क्या कहते हैं जौ के बदले बेचा, ये जायज है। अच्छा, क्योंकि यहाँ भी एक्सेस हो रहा है ना, मतलब एक तरफ 1.5 किलो हो गया एक तरफ 1 किलो हो गया, एक्सेस हो गया, ठीक है, कमोडिटी डिफरेंट है, कमोडिटी डिफरेंट है, ठीक है, तो इसमें एक्सेस जायज है। अच्छा, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि मैं कहूँ कि भाई 1 किलोग्राम वीट तो मैं आपको अभी दे रहा हूँ और 1.5 किलोग्राम जो आप मुझे बादले है ये जो है वो मुझे 1 महीने बाद अगर ट्रांजेक्शन उसी वक्त हो रही हो तो आप एक्सेस ले सकते हैं,
स्पॉट ट्रांजेक्शन जायज है डिफरेंट कमोडिटीज की एक्सेस में भी जी, लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन ये डेफर्ड ट्रांजेक्शन जायज नहीं। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि भाई इसकी रैशनल क्या है, यानी क्या इस कदर हुजूर ने जो है अजीब गरीब बदायल देखने में एक बहुत ही अजीब गरीब बात लगती है कि इंसान को ये फरमाया गया कि छह ट्रांजेक्शन है, छह चीजें ऐसी हैं कि जो है वो इनके अंदर अगर तबादला करें होमोजीनियसली तो उसमें एक्सेस भी ना जायज है, क्रेडिट भी ना जायज है, लेकिन अगर इन चीजों को हेट्रोजीनियसली या इस तरह तबादला करें कि जिनकी जिन्स बदल जाए, मुख्तलिफ रजनास हो जाए, तो उस सूरत के अंदर एक्सेस जायज है लेकिन क्रेडिट ना जायज है। तो इसकी बुनियादी हिकमत क्या है? तो इसके बारे में जो हिकमत है वो भी हदीस में ही बयान की गई। तो एक हदीस में, एक रिवायत में हुज़ूर ने फरमाया कि मैंने इसलिए किया कि मैं तुम पर रिबा से डरता हूँ कि तुम कहीं रिबा में दाखिल ना जाओ, इन्नी अखाफ अलैकुम रिबा। ये फरमाया कि मैं ये छह ये जो ट्रांजेक्शन को तुम्हें नजायज करा दिया, उसकी बुनियादी वजह है कि मैं तुमसे रिबा से डरता हूँ। रिबा से डरना क्या मतलब है कि जो पहली वाली किस्म है जो इसको रिबल कुरान का है, तो जो कुरान पाक में जिसको हराम करार दिया, तो कहीं ऑपरेशन तो उसका सद्देबाब करने के लिए, उसका दरवाजा शट करने के लिए, उसका दरवाजा बंद कर क्लोज करने के लिए अल्लाह ताला ने या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ट्रांजेक्शन को नजायज करा दिया ताकि वहां तक ना पहुंचे। अब सवाल पैदा होता है वो वहां तक कैसे पहुंचेंगे, यानी कि वो तो ठीक है, वो तो हमें समझ में आती है कि लोन दिया आपने और लोन के ऊपर आप जो है ना वो इजाफा नहीं दे सकते, तो इस ट्रांजेक्शन में वहां तक कैसे पहुंचेंगे? तो वो इस तरह पहुंचेंगे कि पहले जमाने में जैसे आजकल तो रुपया होता है ना, सही, रुपए की ट्रांजेक्शन होती है या रुपया या डॉलर। पहले जमाने में सोना और चांदी होता था, ठीक है, में करंसी था जिसको दिरहम या दीनार कहते हैं। दिरहम चांदी का था और दीनार सोने का था। सही, तो अगर मैं कहता कि भाई आपको मैंने दिरहम दिए 100 और आप कर्जे के तौर पर आपसे मैं क्या कहते हैं 110 नहीं ले सकता, ठीक है, कर्जे में वापसी में, क्योंकि ये 10 जो है वो इजाफी हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहते हैं चलो ऐसा करते हैं कि इस पे लोन की ट्रांजेक्शन नहीं करते, बल्कि इस पे हम ऐसा करते हैं कि नहीं स्पॉट नहीं, हम इस पे सेल की ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, गोया के तुम मुझे 10 दिरहम या 100 दिरहम 110 दिरहम के एवज भेज दो। अच्छा, तो उन्होंने फरमाया कि जब सोने का सोने के साथ या चांदी का चांदी के साथ तबादला हो तो एक्सेस ना जायज है। सही है, एक्सेस ना जायज है और इसमें क्रेडिट भी ना जायज है। ठीक है, लिहाजा इसका रास्ता बंद हो गया। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर सोने में नहीं चांदी में नहीं करते तो ये काम सोने में कर लो। सही है, सोने में नहीं करते तो चलो ये काम उसमें कर लो। ये चार चीजें ऐसी जो इंसान की किसी वजह से जरूरत पड़ सकती है, गंदम हो गई, जौ हो गई, खजूर हो गई, नमक हो गई, इन चार चीजों में ये काम कर लो। सही है, तो गया इन छह चीजों को प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक है, मतलब वो खरीद रहे हैं आप एक तरीके से, अगर आप डिफरेंट कमोडिटी, यानी कि आपने एक तरीके को एक चीज को आपने जो कि लोन की ट्रांजेक्शन थी, ठीक है, तो आपने गोया को उसके एक हीला ये निकाला कि आप उसको, यानी कि आप कहते हैं भाई बजाय इसके कि मैं तुम्हें दिरहम कर्जे के ऊपर दूं तो मैं दिरहम खरीद लेता हूँ 110 दिरहम और उसकी वैल्यू में डिफरेंस है और एक क्रेडिट पर होगा। ये छह कमोडिटीज क्या आज तक वही कमोडिटीज है, कुछ इसमें तब्दीली नहीं आ सकती? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल भी उसी जमाने में उठाया गया, तमाम फुकहाए किराम ने इस पर बहुत तफसील से डिस्कस किया कि आया क्या ये हुजूर सल्लम का जो फैसला था रिबल फजल के बारे में ये सिर्फ इन छह कमोडिटीज के बारे में था या इसमें और चीजें भी दाखिल हैं। तो इसमें पांच बुनियादी अकवाल हैं। एक कौल है अस्हाबु ज़वाहिर का, वो कहते हैं नहीं, जब हुजूर ने छह चीजों को कह दिया तो छह चीजें होंगी, इसके अलावा और कोई नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, इसके अंदर हम देखेंगे कि बुनियादी तौर पर क्या चीज ऐसी है कदर मुश्तरक या काउंटर वैल्यू क्या चीज है कि जो के और चीजों में पाई जाएगी तो हम कह देंगे वहां पर भी ये हुक्म है। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर ये दो, इसमें जो एक बुनियादी क्राइटेरिया है वो दो हैं। एक है ये या तो ये चीजें खाने पीने के काबिल है या ये बतौर करंसी इस्तेमाल होती है, इनका क्राइटेरिया ये है, क्योंकि सोना चांदी करंसी के तौर पर इस्तेमाल होती है जिसको अरबी में समनियत कहते हैं, और बाकी चार चीजें जो खाने पीने के, तो जो भी ऐसी चीज होगी, शुगर हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, वो चीज ठीक है। इमाम मुनीफा ने फरमाया कि नहीं, इसमें जो है वो कैल और वजन है बुनियादी चीज। इमाम मालिक ने फरमाया कि नहीं, ये चीज ऐसी है होल्डेबल है या जखीराअंदोजी करने के काबिल है, तो जो भी चीज ऐसी होगी जो जखीराअंदोजी के काबिल होगी तो वो इस चीज के अंदर दाखिल हो जाएगी। ये इस तरह डिफरेंट ओपिनियन आ गए कि जो फॉलोअर होगा वो करेगा।